मैक्स हब वर्सेस बेनक्यू के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे टोटल, क्योंकि आप जब खरीदना चाहते हो कॉस्टली ये इतने हैं कि डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलरेडी मैक्स हब वर्सेस एलजी का कंपैरिजन 30 पॉइंट्स का ये मैं कर चुका हूँ। मैक्स हब और व्यू सोनिक का भी कंपैरिजन हो चुका था। काफ़ी वो कमेंट्स आते हैं कि सर कौन सा हमें लेना चाहिए। सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कराऊं, ये पहले बता के आया हूं कि काफ़ी मैंने सर्वे किया है, उसके बेस पर ये पीपीटी तैयार करके मेहनत करके आपके सामने पेश कराऊं ताकि आप अपना डिसीजन थोड़ा बेटर ले सको। ये 30 पॉइंट्स हो गए, ये मैं बोल दूँ यहाँ पर 30 पॉइंट्स में आप इसलिए बताए गए हैं पॉइंट्स जो मैं कंपेयर करूँगा कि अगर आप वीडियो स्किप करना चाहते हो, लंबी होती है तो आपको हेल्प कर सकती है। ठीक, मैंने वो वैसे टाइम भी बताया है, इतनी मेहनत मुझे करनी नहीं चाहिए थी। चलो खैर, आप इसको देख सकते हो। दिस इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इंटरव्यू डीलर के साथ जो हुई है और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, कस्टमर के, यूज़र के, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जिन्होंने यूज़ किया है, जिन्होंने स्टूडियो में मैं जा के देखा है। मैंने पर्टिकुलरली एलजी का वैसे मैंने देखा है स्टूडियो, इशदीप सर का जलंधर में, बहुत ही प्यारा स्टूडियो, वो देखना चाहिए। उनको बड़ी नॉलेज है, बड़ा गाइड किया, उनका थैंक्स भी करता हूँ। स्टडी ब्रॉशर जो हैं वो स्टडी किए हैं, वेबसाइट यूज, सारे सोर्सेज स्टडी करके आपके सामने उसका क्रक्स रखने जा रहा हूँ। बेसिकली टोटल कंपनीज चाइना, इंडिया, अमेरिका, कोरिया, ताइवान की है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चाइना और ताइवान का होगा। ये टोटल ब्रांड्स है, पॉपुलर और नॉन पॉपुलर। अभी तक मैंने पॉपुलर ब्रांड आपके सामने रखे हैं। आज हम जो ब्रांड डिस्कस करेंगे वो आपको पता है, बेनक्यू और मैक्स हब, ये दोनों इकट्ठे खड़े हैं, इनकी बात होगी। ओके, मॉडल कौन सा होगा, जब भी कोई अपने कंपेयर करना है, अगर आप नॉविस हैं, न्यू लर्नर हैं, आपको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता, तो सबसे पहले डीलर से जहाँ आप लिस्ट बना रहे हो, जहाँ कंपेयर कर रहे हो, ये वीडियो देख के या कोई और वीडियो देख के लिस्ट जरूर बनाओ। मेरे इतने पेपर भर गए थे कि जब मैं कंपैरिजन करता था, लिख के करो कंपैरिजन, सुन के नहीं सिर्फ। तो सबसे पहले मॉडल को नोट डाउन करो, मैक्स हब का E75 FA सीरीज जो न्यू थी वो थी, और बेनक्यू का RM75 2K। ठीक, मॉडल नंबर का कंपैरिजन है। मॉडल में एक भी नंबर डिजिट चेंज होती है तो आपका प्राइस बहुत डाउन वो शो कर देते हैं, आप लालच में आ जाते हो, 10-20 हज़ार भी कम हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि टेक्निकली टेक्नोलॉजी उसमें लो वाली दे दी गई है, 8th की जगह 7th जनरेशन दे दिया, जहाँ कोई और कम कर दिया। अच्छा, साइज सारे अवेलेबल है, 55, 65, 75, 86, बेनक्यू और मैक्स हब में दोनों बराबर हैं। आस्पेक्ट रेशो की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, सभी पैनल की आस्पेक्ट रेशो 16.9 होती है। साइज जो अगर आप मेजर करना चाहते हो, डायगोनल होता है। ठीक, वैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप ये देखना चाहते हो घर में कि मैंने 65 लूँ या 75 लूँ, इसलिए ये तैयार की थी स्लाइड कि आप जो विड्थ उसकी होगी 35 इंचेस होगी और 65 की लेंथ जो होगी 59 इंच होगी, कोई भी पैनल हो। आप इतना ऐसे ड्रा करके या बोर्ड पर ट्राई आउट करके देख सकते हैं कि वेदर मेरे लिए सूटेबल 65 है या 75 है। 75 की जो विड्थ है 40 इंच एंड लेंथ जो है 67 इंच। मेरा जो पैनल जो आप देख रहे हैं ये 75 इंच का है। ठीक, नेक्स्ट डायगोनल होती है, बातें हो चुकी हैं। रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सारे ही जो पैनल आ रहे हैं वो 4K के ही आ रहे हैं, इसकी बात कंपैरिजन की डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा रेजोल्यूशन आपकी जो क्लैरिटी बढ़ाता है, मेरे ख्याल में ये सबको पता होगा, जैसे जैसे पिक्सल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे ये जो है क्लैरिटी इसकी बढ़ती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पिक्सल इंक्रीज होने से जो साइज उसका है वो डिक्रीज हो जाता है, पिक्सल का साइज डिक्रीज होने से वो क्लैरिटी ज़्यादा दिखाई देती है, आंखों पर दबाव भी कम पड़ता है।
नेक्स्ट दोनों का एंटी ग्लेयर, एंटी ग्लेयर एक लेयर होती है ऊपर, जैसे ये लाइट बल्ब जल रहा है, मैंने यहाँ तीन बल्ब, अगर आपने ये देखना हो कि मैंने क्या क्या लगाया है, मैंने यहाँ ये एक 40 का, ये 40 का जैसे मुझे इशदीप सर ने गाइड किया था, एक तीन बल्ब यहाँ लगाए हुए हैं। मेरा कमरा बहुत छोटा है, 8x10 का कमरा होगा, 8 फुट बाय 10 फुट का, बहुत छोटा है। तो ये है, नीचे एक ट्राई आउट किया था, यहाँ करना है, उन्होंने वैसे गाइड किया है एक वो, चलो अगर पूछोगे अलग से बता दूंगा। तो लाइट मेरे ख्याल में आप देख सकते हो कितनी सफिशिएंट है। पहले मैं पूरा ब्लैक, काले मुंह वाला मुझे बोलते थे, काले मुंह वाला आ गया। चलो एंटी ग्लेयर जो लेयर इसमें होती है जो इस लाइट की रिफ्लेक्शन को रोकती है, पर ये बात याद रखना है, ये लेयर ऐसी नहीं होती कि अगर ये बल्ब मैं यहाँ रखूँ, ये कैमरा है, कैमरे के इतना ऊपर मैंने बल्ब को रखा है कि इसमें उसकी रिफ्लेक्शन ना आए, वो थोड़ा सा दिखाई देगा। हाँ, एंटी ग्लेयर जो वो लाइट को इतना ब्लर नहीं कर देता कि दिखाई ना दे। इस स्क्रीन में कंपैरिजन किया गया है, तो आपको लाइट सिस्टम को लाइट वहाँ रखनी होगी जो जिसका एंगल आपके कैमरे से इससे गुजर के होके ना जाए। मेरी लाइट आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ पर, ओके। तो वो लाइट आपने सेट ही ऐसे करनी है, ऑलरेडी वे एंटी ग्लेयर या एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इस पर हुई है, दोनों पर कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। नेक्स्ट है मैक्सब, और उसकी जो वर्जन कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर एंड्रॉयड 8 वर्जन ही आपने लेना है, दोनों बेनक्यू और मैकअप का, दोनों का इस मॉडल में 8 वर्जन ही आ रहा है। जो नॉन पॉपुलर हैं वो आपको बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, 1 लाख से कम में भी मिल जाते हैं, वो वर्जन 6 या 7 होता है, वो प्रेफर मत कीजिए। रैम मतलब बेनक्यू और इसकी रैम सिर्फ 4 GB मिली है, LG की भी कम थी, बाकी वो कंपैरिजन मैंने किया है जहाँ आगे बड़ा कंपैरिजन भी कर दूंगा। तो ये रैम जो टेम्परेरी स्टोरेज है, आपने मल्टीपल फाइल्स खोलनी है, मैं बहुत फाइल्स खोलता हूँ, PPT भी खुली होती है, वर्ड फाइल भी खोती है, मेरे तो दो दो तीन तीन PPT भी एक साथ चलती है क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन इस पर हो जाती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप ये चाहते हो तो 4 GB आपको रैम मेरे ख्याल सफिशेंट है, गुड है, और कोई इसके अलावा शायद ही और कोई नहीं प्रोवाइड करता। रोम जो है परमानेंट स्टोरेज के लिए 32 GB 32 GB यहाँ पर दोनों ही बराबर चल रहे हैं, ओके। टच पॉइंट 2020 है, उसका मतलब शायद मैं अपने आपको बताया ही होगा, ये चल रहा है नहीं चल रहा है, ओके। एक साथ अगर आपने 2-3-4 जन ने काम करना है, पर जब हम काम करते हैं, मैंने ये नोट किया है, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ी लैगिंग बढ़ जाती है। जब एक जना लिखता है, जैसे मैं एक जना लिख रहा हूँ, तो ये रहा एक, ये रहा दो, यहाँ पर नहीं बढ़ रही यार, पता नहीं कल परसों क्यों हुई थी। हाँ देखिए, एक साथ वो है ना, उस फिल्म में भी लिखता है, इसलिए है वो दो तीन बच्चे होते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट दोनों के, यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, टच टूल्स फिंगर से अभी मैंने करके दिखाया, IR टेक्नोलॉजी है सभी में, दोनों में है, पेन है, ड्यूल पेन बेनक्यू में है, ड्यूल पेन होता है जैसे ये पेन है, अब कैसे आपको करके दिखाऊँ, ऐसे एक मिनट, इसको ऐसे करूँ, इसको नहीं, वाइट बोर्ड करना पड़ेगा, फिर आपको वाइट बोर्ड खोला नहीं है, नहीं ये रहा ये, और ये रहा लाल, देखिए यहाँ होता है ये लाल, दोनों लाल है। व्हाइट बोर्ड पर क्या होता है कि यहाँ नहीं है व्हाइट बोर्ड, जब यूज़ करता हूँ इस तरफ मैंने नीला रख लेना है, दूसरी तरफ मैंने रेड रख लेना है, कोई भी दो कलर चूज़ कर लो, फिंगर से कर सकते हो। तो ड्यूल वर्क ये करता है, बड़ी अच्छी आपकी एनर्जी टाइम बचाता है,
ये है, यहाँ मैं डेमोस्ट्रेट नहीं कर सका, नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा जब वाइट बोर्ड ओपन किया होगा। अच्छा तो ये मैं चल गया फुल स्क्रीन पर यहाँ, ये चलो भाई ओके, तो वापस आ जाओ, कहाँ पहुँचे थे हम, ओके हाँ ये हो गया। जो स्पीकर हैं मैक्स हब के 12 वाट के, यहाँ पर फ़र्क आप देख सकते हो साफ है, 12 वाट के हैं स्पीकर, दो स्पीकर ठीक, व्यू सोनिक में 3 स्पीकर हैं, पीछे बता चुका हूँ। यहाँ बेनक्यू आगे है, 16 वाट के हैं 2 स्पीकर, यहाँ बेनक्यू आगे है मैक्स हब से। नेक्स्ट है ये जो केबल्स हैं इनका कंपैरिजन, HDMI जो पहले VGA होती थी अब HDMI से ही बेटर जो है डिलीवरी होती है, मेरे ख्याल में इमेज क्वालिटी बेटर कन्वे होती है जो इस केबल के ज़रिए जानी होती है। ये 3 पॉइंट ये प्रोवाइड करते हैं, 3 ये प्रोवाइड कर, इक्वल है। USB 2.0 हाई स्पीड USB इसको बोलते हैं, ये 3 प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो है BenQ वो 5 कर रहे हैं, यहाँ BenQ थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है USB 3.0 सुपर स्पीड, यहाँ दोनों सेम सुपर स्पीड वाले दोनों मैक्स हब और BenQ सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके इसके अलावा नेक्स्ट है VGA वीडियो ग्राफिक एरे जिसको बोलते हैं, वीडियो सिग्नल ट्रांसफ़र करने होते हैं, HDMI उससे बेटर होता है। एक पॉइंट ये सेम है, कंपैरिजन नहीं, लैन केबल एक यहाँ पर सेम चल रहे हैं, यहाँ किया कट, ये गए आगे हम। वेबकैम दोनों ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, वेबकैम दोनों ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, नाइदर मैक्स हब और ना ही BenQ। नेक्स्ट है OPS, ये बात बार बार हो चुकी है कि OPS मैक्स हब का विद है, कंपनी से ही लग के आता है, इनबिल्ड है, और BenQ में स्लॉट होता है, बाद में इंसर्ट करा, यहाँ पर इंसर्ट होता है, आपको एक्स्ट्रा पे उसके लिए करने पड़ते हैं, वो जब प्राइस की बात होगी तब आप समझ सकते हो। एक्टिव स्क्रीन मैक्स हब वाले 4 एक्टिव स्क्रीन ऐसे हो जाती है, सॉरी एक्टिव स्क्रीन आपको दिखाऊं, इसकी व्यू सोनिक की है मेरे पास, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ कि व्यू सोनिक की जो एक्टिव स्क्रीन कितनी है, कैसे काम करती है। मैं मेरी कोई भी वीडियो आप देख लो, मैंने शायद 3 डिवीज़न की हुई है, किसी भी एक दो में 4 भी की हुई है, ठीक है 6 तक भी वो करके दिखा दूंगा, लेकिन मैक्स हब की है 4 मैक्सिमम डिवीज़न। ये बहुत काम की है, बहुत जो टीचर या यूट्यूबर हैं इनको यूज़ नहीं करते, इससे टाइम एनर्जी बचती है जब आप डिफरेंट स्क्रीन पर काम करते हो, उससे साइज अगर छोटा होता है, जैसे 4 डिवीज़न हो गई स्क्रीन की मान लीजिए, ओए सॉरी 4 डिवीज़न हो गई, आ जा भाई टिक गया, चलो 4 डिवीज़न हो गई, ओके 4 डिवीज़न हो गई तो ये कम हो गई, एडिटिंग में इसको आप फोकस करके उतना बड़ा कर सकते हो। दूसरा है कि ये भी फुल स्क्रीन हो जाती है, ये भी फुल स्क्रीन हो जाती है, वापस भी आ जाती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमोस्ट्रेशन दे के बताऊँगा, ओके आ जा अभी तू वापस, ओ सॉरी अब आएगा, ठीक है नेक्स्ट है। अच्छा जो एक्टिव स्क्रीन है BenQ की कोई रिस्पांस नहीं मिला कि है नहीं है, हाँ नया आप पूछ सकते हैं जब भी डीलर से बात करनी है, और आप पहले देख लीजिए क्योंकि एक्टिव स्क्रीन आपने डिस्प्ले करनी है तो आपको OPS की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट OPS सिर्फ एंड्रॉयड में आप स्क्रीन को स्प्लिट नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे ये बाद में OPS लेना पड़ा था, मैंने बाद में लिया है इसका, कर लो बच्चे ने करना, एक मिनट पीछे वाला हाँ अब क्या है, ये हो गया नेक्स्ट वाला, ओके आई केयर टेक्नोलॉजी इस पर बहुत काम किया है, आईज पर क्या इफेक्ट पड़ता है डिटेल में स्टडी की है, अभी तक आपको वो बताने जगह वो जानना ज़रूरी है। पहली बात है कि
TUV सर्टिफिकेट बैनक्यू के पास है। TUV टेक्निकल इंस्पेक्शन एसोसिएशन, इंग्लिश में ये है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है जो सेफ्टी के लिए दिया जाता है। मैक्स हब ऐसा कोई सर्टिफिकेट जहाँ इसका कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है, ये भी हो सकता है मुझे नहीं बताया गया जहाँ नहीं है, यहाँ पर मेरे तरफ से क्वेश्चन मार्क है। ठीक, दूसरा है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी आपकी आँखों पर इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा होगा, जितनी क्लोजनेस आपकी ज़्यादा होगी उससे भी इफ़ेक्ट होगा। लेकिन प्रोवाइड कितनी ब्राइटनेस करते हैं, जिससे क्लैरिटी भी, रिकॉर्डिंग के लिए ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आपको मैक्स हब 350 और ये भी 350 इक्वल दोनों कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, डिम वाइल्ड टच, इसका कोई उत्तर नहीं है। डिम वाइल्ड टच के अभी तक मेरे अपने पैनल पर मुझे ये ऑप्शन मिली नहीं है, अभी मैंने डेमो लेनी है कि जब हम इसके करीब आते हैं यहाँ करते हैं जो, तो ये लाइट डिम हो जाती है, जब डिम हो जाती है तो आंखों पर कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन मैक्सअप की है ही नहीं, आई नहीं है, बैनक्यू की भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ब्लू लाइट फिल्टर, यहाँ इससे जो 7 तरह की लाइट होती है, 7 में से 3 लाइट्स जो होती हैं वो रिलेटिवली उनका कलर ब्लू होता है। ये वाली जो देख सकते हैं ये आंखों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। तो लेटेस्ट एक तो गॉगल्स आ जाती हैं ब्लू कट वाली, ब्लू फिल्टर वाली, ब्लू ब्लॉकिंग वाली, वो आप यूज़ कर सकते हो, करनी चाहिए, मैंने ले ली है, मैंने भी अभी यूज़ करनी है। तो दूसरा है कि क्या ये फिल्टर करता है आपका, जैसे मोबाइल फिल्टर करता है आपका जो स्क्रीनिंग, जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन करती है? हाँ ये करते हैं, पर कितनी करते हैं, 100 में से कितना करते हैं ये कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। ये बताते हैं ब्लू लाइट फिल्टर है जी, मैं इतना, मैंने बार बार क्वेश्चन उनसे पूछे लेकिन इसका आंसर नहीं मिला। एक जगह मुझे ये मिला कि ये जो पैनल होते हैं 30 से 70% तक फिल्टर करते हैं, अब कौन सा कितना करता है ये नहीं पता। ठीक, तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स 100% कोई नहीं है, जितना लाइट में आप काम करोगे ना, तो ये लाइट्स भी, ये भी ब्लू लाइट छोड़ती हैं, तो ये आपकी लाइट आंखों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको आंखों की केयर के लिए चश्मा, वो स्पेशल जो ब्लू, बेशक नंबर वाला है, विदाउट नंबर वाला है, वो लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि 100% कोई भी फिल्टर प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है बात के कंट्रास्ट की, कंट्रास्ट पर यहाँ डिफरेंस है, कंट्रास्ट हाई होना चाहिए, जितना कंट्रास्ट हाई है उतना आईज पर स्ट्रेस कम पड़ता है। यहाँ पर 1201, यहाँ 1101, यहाँ पर मैक्स अब आगे है, ये पॉइंट नोट किया जा सकता है। कंट्रास्ट की एग्जांपल कि बैकग्राउंड जो है, उस जो ये कलर है उसके रिलेटिवली डार्क, जहाँ लाइट या पिछले वाला लाइट और डार्क, आप मेरी कोई भी फर्स्ट पेज किसी का भी ये जो देखना है ना, फर्स्ट इमेज देखना, मैं क्या करता हूँ पिछली डार्क रखता हूँ, उसमें कलर ये जो जैसे लिखा है ये जो है लाइट रखे हैं। अगर आपने बैकग्राउंड जैसे ये लाइट है और ये ब्लैक से लिखा है, ये हो गया आपका डार्क, तो ये कंट्रास्ट बना के रखो। पीपीटी भी तैयार करनी है, कंट्रास्ट बना के रखो मैक्सिमम। मैंने एक दो वीडियो में गलती की ही थी, रेड ये बैकग्राउंड थी और यहाँ भी जैसे देखिए रेड से ही किया मान लीजिए कर किया मैंने, तो यहाँ रेड दिखाई नहीं होगा, सॉरी ब्लैक आ गया देखा ब्लैक दिखाई दे रहा है लेकिन रेड ये रहा, रेड अब दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज कंट्रास्ट, हेयर कंट्रास्ट इज बेटर, जो मैंने लिखा है इधर कम है। तो ये कंट्रास्ट यहाँ पर मैक्सअप ज़्यादा प्रोवाइड करता है, इससे भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट है कि व्यूइंग एंगल, आप अपने मोबाइल को भी देखना, ऐसे देख रहे हो उसे ऐसे घुमा के देखना कि क्या वो आपको पढ़ा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम इस एंगल से भी ऐसा पैनल बनाया है, यहाँ से टीचर पढ़ सकता है, नीचे से भी पढ़ सकता है। जैसे ये व्यूइंग एंगल इस इमेज में बताया गया, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो यहाँ से बच्चे ने तो देखना है लेकिन टीचर को कभी इधर आना पड़ता है पैनल के, कभी इधर आना पड़ता है पैनल के, तो ये 178 डिग्री तक, सॉरी
178 डिग्री तक हॉरिजेंटल और वर्टिकली कहते कि हमारी इमेज या रीडिंग दिखाई देती है। एक्चुअली इतना होता नहीं है, हाँ, पर बहुत इफेक्टिव है, यहाँ से पढ़ा जा सकता है, साइड से इतना साइड में होके ना पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों, हाँ जी कर लो, दोनों ही बराबर हैं, 178 हॉरिजेंटल वर्टिकल और 178 हॉरिजेंटल वर्टिकल। नेक्स्ट करो भी करना, चलो ओके। फ्लिकरिंग भी, ये सारे पॉइंट्स आईज केयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। फ्लिकरिंग इज मेन प्रॉब्लम है, जो इसमें ऑप्शन होती है वो आप फ्लिकरिंग फ्री कर सकते हो, इसको मैंने वो की हुई है, दैट इज़ वाई आप देख सकते हो कोई फ्लिकरिंग नहीं है। दूसरी आपका वो यहाँ लिखा हुआ है फ्रेम रेट, ठीक है, फ्रेम रेट इज हाउ मैनी फ्रेम्स पर सेकेंड योर कैमरा इज रिकॉर्डिंग। आपके कैमरे की बहुत रोल है उसका कि फ्लिकरिंग को कम करना। अगर अच्छा कैमरा है, आपकी जो शटर फ्रेम रेट और शटर स्पीड इसको एडजस्ट कर लीजिए तो फ्लिकरिंग वैसे भी कम हो जाएगी। दूसरा, नेचुरल लाइट में फ्लिकरिंग बहुत कम हो जाती है, तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन दोनों ही जो पैनल है वो फ्लिकरिंग फ्री है। फ्लिकरिंग की ये जो अगर देखनी है, ये रिकॉर्डिंग की है मैंने लैपटॉप पर, ऐसे वीडियो तो पैसे ऐसे बनाता था, देख सकते हैं आप, ये लाइनें आ रही हैं। फ्लिकरिंग में ऐसी प्रॉब्लम है, वो ब्रेन पर आईज पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट करो। हाँ ठीक है, हाँ अब ये देख लीजिए कि फ्लिकरिंग ना हो, कंट्रास्ट आपकी लो हो, आपने आंखों को बचाना है। ये पिछले वीडियो हर मैं बताता हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लिकरिंग ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ लिखो, देखा कंट्रास्ट देख सकते हो, ZERO, फ्लिकरिंग ज़ीरो चाहिए और कंट्रास्ट हाई चाहिए, वेरी हाई कंट्रास्ट, हाई। दूसरे से लिखो, इस कलर से देखना, कंट्रास्ट हाई, ये भी कम है। कलर और कोई चूज़ कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू, ब्लैक नहीं वहाँ चलेगा, ये चल सकता है ज़्यादा, कंट्रास्ट हाई, हाँ ओके। तो ब्राइटनेस भी हाई, ये भी हाई चाहिए ब्राइटनेस, सॉरी ब्राइटनेस कम चाहिए, उल्टा हो गया, ब्राइटनेस कम। आप मोबाइल पर भी लैपटॉप पर ही ये ध्यान रख सकते हो, ब्राइटनेस कम, कंट्रास्ट ज़्यादा, फ्लिकरिंग ज़ीरो। मैं जब आंखें चेक करवाई तो डॉक्टर ने यही लिख के दिया था कि आपने ब्राइटनेस कम रखनी है, कंट्रास्ट ज़्यादा रखना है, ठीक। तो ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पांस टाइम एलसीडी पैनल का, 8 मिली सेकेंड दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट है रिस्पांस टाइम टच, ये 10 मिली सेकेंड से इन्होंने कम लिखा है, इन्होंने 8 लिखा है। इसका मीनिंग अब आप खुद किसी से पूछ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। हाँ, ये जो इम्पॉर्टेंट है, एनोटेशन सॉफ्टवेयर जो हैं, ये Note 3, Note 5, ईजी नोट कैप्चर और कनेक्ट स्क्रीन शेयर ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये BenQ कहते हैं कि हमारा अपना है, जैसे ViewSonic का अपना है EZ Write 5, ये सॉफ्टवेयर इनका है। नेक्स्ट है कि NTSC नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी की तरफ से सेफ्टी स्टैंडर्ड का एक सर्टिफिकेट है, जिसके अनुसार मिनिमम इसकी जो इवेल्यूएशन होनी चाहिए वो 72% होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सहब और BenQ दोनों की 72% है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्विस पार्टी, थर्ड पार्टी है मैक्सहब की, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, जो BenQ की है, इसकी फर्स्ट पार्टी है। अच्छा, ये कहते हैं सर्विस, इनसे पूछा जाता है बार बार कि 72 आवर में सर सर्विस हो जाएगी, ये कहते हैं 24 आवर में हो जाएगी। LG का कोई मुकाबला नहीं है सर्विस के मुकाबले में, ये बात पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट है कि पॉइंट BenQ के ज़्यादा है, क्योंकि उनकी सर्विस पार्टी अपनी है, ठीक, और वो 24 आवर में कह रहे हैं, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि 24 आवर में आपका पैनल ठीक हो जाएगा। नंबर ऑफ सर्विस सेंटर, मैंने बड़ी क्वायरी की, इवन कईयों ने तो ये कहा कि आप रिसर्च कर रहे हो कि खरीदना है आपने,
तो ये कह रहे हैं 480 ये कवर कर रहे हैं 15,000 पिन कोड ऑफ इंडिया, ये रिस्पांस था वही मैंने यहाँ लिख दिया। तो इनके सर्विस सेंटर 200 से 250 के करीब हैं, कितनी कवरेज है इट मींस रिमोट एरिया में है तो आपको सर्विस की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप डिस्ट्रिक्ट के करीब हो सिटी के तो आपको ये प्रॉब्लम कम आएगी। नेक्स्ट है माइनर वर्सेस मेजर प्रॉब्लम, इसकी बात नहीं करूँगा, एक पैनल में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे कोट की गई है। वारंटी पीरियड बाय मैन्युफैक्चरर 3 साल, ऑन साइट ऑन साइट दोनों का बराबर है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑन साइट मीन यहाँ आके पैनल ठीक किया जाएगा जब आप कंप्लेंट करोगे, तो ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फ्री हैं। अच्छा ये देखिए मैक्स, अब ये क्योंकि प्रभाव पड़ता है कि हम किस कंट्री का है, कई बार डिसीजन इसीलिए लेते हैं कि यार ये इस कंट्री का है, चाइना का है, मैक्स अब चाइना का ही है, कंपनी भी चाइना की है, मैन्युफैक्चरर भी मेड इन भी चाइना में है, मैन्युफैक्चर ओरिजिन भी चाइना का है, ताइवान में ही ये बनता है बेनक्यू का, और कंपनी भी ताइवान की है। ठीक है, जैसे व्यू सोनिक बताया था कि अमेरिकन कंपनी है, बनता चाइना में है। हाँ जी चलो ये नहीं चलेगा, चलो अब चलो शाबाश। जैसे देखिए दो जने अब कहा कर रहे हैं, ये गुड़िया भी साथ में प्ले कर रही है, दिखा दो आपको खड़े हो गए हाई कर दो ओके। पावर कंजम्पशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाद में एक खर्चा तो कंटिन्यू रहना है, तो पावर कंजम्पशन मैक्स हब की है 400 वाट, बैनक्यू की कम है, ये पॉइंट आगे ले गए बैनक्यू वाले, 320 पॉइंट ये मैक्सिमम है। और पावर कंजम्पशन स्टैंड बाय की ये इतनी ही होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, ये लगभग 0.5 तक होती है स्टैंड बाय पर, जब लगता है बहुत कम पावर कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। और पावर एवरेज इनकी कोई एवरेज निकालते हैं, वो मैक्स हब ने तो अपनी रेंज दी हुई है कि 100 से 240 वाट तक। ओके तो इसका मतलब मुझे भी नहीं पता कि 60/50 हर्ज और 4.0A, पता नहीं ये किसी उनसे पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता, और लेकिन बैंकों की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट बेटा ओके। टच लाई आपको बार बार बताया जाएगा, हमारी जो नॉन पॉपुलर ब्रांड है वो तो 60-70 हज़ार लाइफ टाइम बताते हैं। लाइफ टाइम किसका भाई, लाइफ टाइम मेरी क्वायरी ने ये मुझे क्लियर किया कि लाइफ टाइम टच का ये 30 हज़ार है, मैक्सब वाले ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ओ सॉरी 30 हज़ार, ठीक, बैनक्यू वाले इसका कोई उत्तर नहीं मुझे मिला। और जब बैक लाइट लाइफ का है तो मैक्सब का कोई उत्तर नहीं मिला, मेरे ख्याल में बैक लाइट लाइफ ओरिजिनल लाइफ होगी क्योंकि लाइट वो इम्पोर्टेंट है, टच बाकी पता नहीं है मुझे। हाँ लेकिन ये 30 हज़ार आवर्स कह रहे हैं बैनक्यू के हमारे लाइट की है गारंटी। ठीक है, यहाँ ये इन्फॉर्मेशन, ये 30 हज़ार प्लस कह रहे हैं आवर्स टच की, हो सकता है जिन्होंने मुझे बताया हो, मैंने क्योंकि बार बार क्वारी की है वो फिर आंसर देना छोड़ देते हैं, ये भी ये हो, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वो डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट बेटा ओए। हाँ वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 53-50 दोनों का, 69 ये 65 को मैं, अच्छा हाँ इंस्टॉलेशन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी इंस्टॉलेशन किसने करनी है, अगर कंपनी करती है तो वो बेस्ट है, बड़ी जल्दी हो जाता है। ओके लेकिन दूसरा है कि कंपनी डीलर को ये काम दे देती है, यहाँ पर दोनों ही डीलर्स ने करना है, डीलर थोड़ा सा डिले कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अपने होते हैं, इंस्टॉलेशन करने वाली टीम उनकी एक या दो टीम्स होती है, अपनी होती है, वो कहाँ बिजी हैं, अवेलेबल नहीं है, तो जिन्होंने मेरा भी करना था उनका जब आना था वो शायद एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन कंपनी में मतलब जल्दी हो जाता है, ये बात सच्ची है, ये बात सच्च है, कंपनी के इंस्टॉलेशन जल्दी हो जाती है, जहाँ पहले से बात कीजिए कि इस दिन दो में होगी तो मैं पेमेंट करूँगा, वो आपकी बात है। अच्छा ये स्टैंड है जो पीछे लगा हुआ है तो ये 4 हज़ार के करीब होता है ना,
मैंने ये रेंज लिखी है, जितने मेरे पास रिस्पांस आए हैं। ये डीलर कहते हैं कि हम अपने पास से ही देते हैं। ये आपने व्हील वाला लेना है, एक कमरे से एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो आप को 14,000 15,000 12,000 और करने होंगे। नेक्स्ट, OPS मैक्सब का इनबिल्ड है, कंपनी प्रोवाइड करती है, बैनक्यू प्रोवाइड नहीं करती। ऑप्शन है, आपको HDMI या स्लॉट प्रोवाइड की जाती है, आप कोई भी लगवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट साइज़ ये बातें नहीं अभी आपके करने वाली, तो मेरे ख्याल में थैंक यू है। बाकी प्राइस की बात नेक्स्ट वीडियो में करूँगा क्योंकि लंबा हो जाता है। कोई भी आपका सुजेशन या कमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।